नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हवे आजे सादा काळमांथी आपणे त्रीजो सादो काळ एटले के सादो भविष्यकाळ भणवानो छे। सिंपल फ्यूचर टेन्स, सादा भविष्यकाळनो उपयोग क्या थसे? सौथी पहला आपणे एनी चर्चा करीशुं। तो के सादा भविष्यकाळनो उपयोग करता भविष्यमां कोई क्रिया करशे एवुं दर्शावुं होय त्यारे आपणे सादा भविष्यकाळनो उपयोग करीशुं। मीन्स के हवे पछीथी कोई क्रिया थसे एवुं दर्शावुं होय तो सादा भविष्यकाळनो उपयोग थाय छे। सादा भविष्यकाळना वाक्योमां समयदर्शक शब्द तरीके टुमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अथवा तो भविष्य दर्शावता कोई पण शब्द आफ्टर अ वीक। मानो के अत्यारे आपणे ऑगस्ट चाले छे तो इन सप्टेम्बर, इन नवेम्बर 2020 छे, इन 2021। तो आवी रीते भविष्यना कोई पण समय दर्शाववो होय तो सिंपल फ्यूचर टेन्स नो उपयोग करवामां आवे छे। हवे भविष्यकाळ छे तो एनी वाक्य रचना शू? तो के वाक्य रचना आपणे जोईए। वाक्य रचनामां दर वखतनी जेम सौ प्रथम शू आवशे? करता। हवे क्रियापदना स्थाने तमारे भविष्यकाळ दर्शावा माटे सेल के विल नो उपयोग करवानो, एटले के करता साथे सेल विल, पछी क्रियापदनुं मूळ रूप, पछी कर्म अने पछी अन्य शब्दो। एटले के क्रियापदना स्थाने सेल विल साथे क्रियापदनुं मूळ रूप आवशे। हवे ध्यान ए राखवानुं छे के सामान्य रीते जो करता तरीके आई केवी होय तो सेल नो उपयोग करवानो अने अन्य बधा करता माटे विल मुकाय छे। आम तो आई के वी साथे विल मुको तो चाली जाय छे, पण ज्यारे क्रिया बनवानी छे एवुं चोक्कस होय तो तमे आई के वी साथे विल मुकी शको। स्पीकिंग मां विल बोली शकाय आई अने वी साथे, पण ज्यारे ग्रामर नी वात आवे त्यारे आई अने वी साथे सेल ज मुकवानुं छे। हवे एना आपणे उदाहरण जोई लईए। जेम आपणे दर वखते उदाहरणमां हुं तमने बताऊं छुं के सौ प्रथम आपणे उपयोग करीशुं मात्र ने मात्र कर्ता ने क्रियापदनो। जेम के जो हुं रमीश, हुं करता छे, रमीश क्रियापद छे, तो हुं एटले आई, आई साथे शुं आवशे? सेल। आई सेल प्ले। अमे जईशुं, अमे एटले वी, जवुं एटले गो, तो वी साथे सेल आवे, वी सेल गो। त्रण, ते मुलाकात लेशे,
તે એટલે હી હી સાથે આવશે વિલ મુલાકાત લેવી એટલે વિઝિટ હી વિલ વિઝિટ તેણી વાંચશે તેણી એટલે સી એની સાથે આવે વિલ સી વિલ વાંચવું એટલે રીડ તો સી વિલ રીડ નેક્સ્ટ બાળકો શણગારશે બાળકો એટલે ચિલ્ડ્રન અને શણગારશે શણગારવું એટલે ડેકોરેટ ચિલ્ડ્રન સાથે આવે વિલ ચિલ્ડ્રન વિલ ડેકોરેટ નેક્સ્ટ વિપુલ ખરીદશે તો વિપુલ ખરીદવું એટલે બાય વિપુલ સાથે આવે વિલ તો વિપુલ વિલ બાય વિપુલ ખરીદશે હવે એક સ્ટેપ આગળ કર્તાની સાથે કર્મ પણ ઉમેરવાનું હું ક્રિકેટ રમીશ તો હું રમીશ તો શું થશે આઈ સેલ પ્લે કર્મ મૂકો ક્રિકેટ તો આઈ સેલ પ્લે ક્રિકેટ અમે આવતીકાલે શાળાએ જઈશું અમે જઈશું નું શું થાય વી સેલ ગો ટુ સ્કૂલ અને આવતીકાલે એટલે ટુમોરો તમે આવતા મહિને ગામની મુલાકાત લેશો તમે એટલે યુ તો યુ વિલ વિઝિટ વિલેજ નેક્સ્ટ મંથ નેક્સ્ટ બાળકો વર્ગખંડ શણગારશે તો બાળકો એટલે ચિલ્ડ્રન વિલ શણગારવું એટલે ડેકોરેટ ધ ક્લાસરૂમ નેક્સ્ટ વિપુલ નવો મોબાઈલ ખરીદશે તો વિપુલ વિલ બાય અ ન્યુ મોબાઈલ નેક્સ્ટ તેણી ચોપડી વાંચશે સી વિલ રીડ અ બુક તેઓ પતંગ ઉડાડશે તો ધે વિલ ફ્લાય કાઇટ્સ રીમા ગીત ગાશે રીમા વિલ સિંગ અ સોંગ રિયા નૃત્ય કરશે તો રિયા વિલ ડાન્સ તો મિત્રો આ હતા વિધાન વાક્યો કર્તા એની સાથે સેલ વિલ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને એની સાથે કર્મ અને જે અન્ય સમય દર્શક શબ્દો છે એ છેલ્લે મૂકવાના છે તો આઈ થિંક તમને આમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે તો આ હતા વિધાન વાક્યો હવે વિધાન વાક્યની પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી તમારે નકાર વાક્ય ભણવાના છે હાલ તમે સમજી લેજો પણ તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરવા બેસો ત્યારે પહેલા વિધાન વાક્યોની પ્રેક્ટિસ કરવાની એ થઈ જાય પછી જ નકાર વાક્યોની પ્રેક્ટિસ કરજો તો હવે આપણે વિધાન વાક્ય પરથી જઈશું નકાર વાક્ય પર આપણે નકાર વાક્ય કેવી રીતે બનાવવાના હતા એ અગાઉ પણ જોઈ ગયા છીએ કે કોઈ પણ વાક્યને નકાર બનાવવું હોય તો સહાયકારક ક્રિયાપદ સાથે નોટ મૂકવાથી વાક્ય નકાર બને છે આપણા સાદા ભવિષ્યકાળના વાક્યોમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે સેલ કે વિલનો ઉપયોગ થાય છે
तो सेल के विल साथे नॉट मुकवाथी वाक्य नकार बने छे। तो जारे पण वाक्य मा सेल के विल आवे तो एने नकार मुकवा माटे तमारे सेल विल पछी नॉट मुकवु। तो अहीं एनी वाक्य रचना ध्यान थी जोई लो। सौ प्रथम आवशे करता, करता पछी सेल अथवा विल, एना पछी नॉट, एनी साथे क्रियापदनु मूल रूप, एना पछी कर्म अने पछी आवशे अन्य शब्दों। तो ध्यान थी जोई लेजो, सेल नो उपयोग क्यारे करवो ए आपणे आगळ सीखी गया के जयरे आई के वी होय तो सेल, बाकी बधामां विल। हवे घणी वार आपणे नोट मूकीए त्यारे आपणे एना शोर्ट फॉर्म नो उपयोग करता होईए छीए। अहींया तमारे आना जो शोर्ट फॉर्म नो उपयोग करवो होय तो सेल नोट नु जे टूंकु रूप छे ए सांट अने विल नोट नु वोंट, आ ध्यान मां राखवू। हवे आपणे केटलाक उदाहरण जोईशुं। पहेलुं उदाहरण, अमे शाळाए जईशुं नहीं, तो अमे जईशुं नहीं नु शुं थशे? वी सेल नोट गो, कर्म तरीके टू स्कूल। नेक्स्ट, तेनी गीत गासे नहीं, तो तेनी गासे नहीं, सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, हूँ फळो खरीदीश नहीं, हूँ खरीदीश नहीं, एनु थसे आई सेल नॉट बाय फळो, कर्म फ्रूट्स, आई सेल नॉट बाय फ्रूट्स। नेक्स्ट, तमे कविता लखशो नहीं, तमे लखशो नहीं, तो यू विल नॉट राइट सू, तो के कविता, तो अ पोएम। नेक्स्ट, नेहा साइकिल वेचसे नहीं, तो नेहा वेचसे नहीं, तो नेहा विल नॉट सेल अ बाइसिकल। नेक्स्ट, श्रीमान पटेल आवते महीने अमेरिका जसे, तो आ विधान वाक्य आवी गयु वच्चे, ध्यान थी जो, श्रीमान पटेल अमेरिका जसे, तो मिस्टर पटेल विल गो टू यूएसए नेक्स्ट मंथ। बाळको काले रमकड़ा बनावशे, चिल्ड्रन विल मेक टॉयज टूमोरो। कविता आवता अठवाडिये मिठाई तैयार करशे, कविता विल प्रिपेर स्वीट नेक्स्ट वीक। माता रसोई करशे, मधर विल कुक इन द इवनिंग। नेक्स्ट, दादाजी आवती काले अमने वार्ता कहसे, द ग्रैंडफादर विल टेल अस अ स्टोरी टूमोरो। मित्रों, अहीं छ वाक्य थी दस वाक्य जे लख्या छे ए नकार छे, सॉरी हकार छे, विधान छे, एने तमारे नकार मां फेरववाना छे। तो
आमा सहायकारक क्रियापद शोधी लेवानुं अने एने नकार बनावाना जेम के मिस्टर पटेल विल नॉट गो टू यूएसए नेक्स्ट मंथ अने एने लखवुं केवी रीते तो श्रीमान पटेल आवता महीने अमेरिका जशे नहीं तो अहीं विल पछी नॉट मुकवानुं एटले नकार बनी जाय। बाळको काले रमकड़ा बनावशे नहीं तो आमा विल पछी नॉट मुकवानुं चिल्ड्रन विल नॉट मेक टॉयज टुमोरो। कविता आवता अठवाडिये मिठाई तैयार करशे नहीं तो कविता विल नॉट प्रिपेर स्वीट नेक्स्ट वीक। माता सांजे रसोई करशे नहीं तो मधर विल नॉट कूक इन द इवनिंग। दादाजी आवती काले अमने वार्ता कहशे नहीं। The grandfather will not tell us a story tomorrow. तो मित्रों आ पांच थी सुधीना जे नकार छे एवी ज रीते आ छ थी दस तमारे नकार बनावाना छे। तो आ प्रेक्टिस तमारे करी लेवानी छे। हवे आपणे हकार वाक्य जोया, नकार पण जोया, हवे प्रश्नार्थ वाक्य पर जाइए ए पहला तमारे आ बन्ने नी प्रेक्टिस करी लेवाडी छे, हकार वाक्य नी अने नकार वाक्य नी। अने एना माटे हूँ तमने होमवर्क मा कितलाक सेंटन्स आपू छू। आ सेंटन्स तमारे जे मैं गुजराती मा आप्या छे एनु अंग्रेजी में रूपांतर करवानो छे, जेथी तमारे आना हकार अने नकार वाक्योनी प्रेक्टिस थई जाए। तो मित्रों होमवर्क हवे जोई लईए अने साथे साथे जो तमारे हजी आगळ प्रेक्टिस करवानी इच्छा होय तो आपणे जे क्रियापदो आगळ लखावी चूक्या छीए એ ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરી એના પરથી કેટલાક સેન્ટન્સ વધારાના બનાવવાની તમને છૂટ છે। તો હવે હોમવર્ક તરફ જઈએ। તમારું હોમવર્ક છે એમાં પહેલું વાક્ય તમે ખેતરમાં કામ કરશો તો વિલ વર્ક। हूँ तमने मदद करीस इतले विल हेल्प। अमे विद्यार्थियों ने मदद करीशु तो अहीं अमे छीए इतले सेल हेल्प। पूजा दिवाली उजवशे, उजवू इतले सेलिब्रेट तो विल सेलिब्रेट। शिक्षक ग्रामर शिखवशे, શીખવવું એટલે ટીચ તો વિલ ટીચ। તેઓ નવા ટ્રેક્ટરો ખરીદશે, ખરીદવું એટલે બાય તો વિલ બાય। નેક્સ્ટ તેણી આવતીકાલે ફળો ખાશે, તો ખાવું એટલે ઈટ તો વિલ ઈટ। શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા કરશે, શિક્ષા કરવી એટલે પનિશ તો વિલ પનિશ। મીના આવતે મહિને રમકડા ચોપડીઓ મોકલશે, મોકલવું એટલે સેન્ડ તો વિલ સેન્ડ। મારા પિતાજી મારા વર્ગ શિક્ષકને મળશે, મળવું એટલે મીટ તો વિલ મીટ। હવે અહીંથી નકાર વાક્ય શરૂ થાય છે। હું દફતર લાવીશ નહીં, લાવવું એટલે બ્રિંગ તો વિલ બ્રિંગ, તો એ નોટ આવશે વિલ નોટ બ્રિંગ। તેણી મને ભેટ આપશે નહીં, આપવું એટલે ગીવ તો વિલ નોટ ગીવ। નેક્સ્ટ રમણભાઈ છાપું વાંચશે નહીં, વાંચવું એટલે રીડ તો વિલ નોટ રીડ। નયન પાઠ લખશે નહીં, લખવું એટલે રાઇટ તો વિલ નોટ રાઇટ।
विद्यार्थीओ पुस्तकालय मुलाकात लेसे नहीं, तो मुलाकात लेवी एटले विजिट, तो विल नॉट विजिट। छोकरियो नृत्य करसे नहीं, नृत्य करवू एटले डांस, तो विल नॉट डांस। किरण चित्रों दौरसे नहीं, दौरवू एटले ड्रो, तो विल नॉट ड्रो। अमे टीवी जोईशू नहीं, जोवू एटले वॉच, विल नॉट वॉच। बाळको रमकड़ा आपसे नहीं, आपू एटले गीव, तो विल नॉट गीव। ते मारा घरे आवसे नहीं, आवू एटले कम, विल नॉट कम। तो मित्रों अहीं हकार में सेल के विल अने मूल रूप, नकार में सेल नॉट अथवा विल नॉट साथे मूल रूप। तो आजे 20 सेंटेंस छे एनू तमारे अंग्रेजी में रूपांतर करवानू छे। रूपांतर करती वखते मैं कहूं एम, सौथी पहला करता, पछी सेल के विल, पछी क्रियापद नू मूल रूप। नकार होय तो करता, पछी सेल नॉट अथवा विल नॉट अने क्रियापद नू मूल रूप, अने एना पछी तमारे कर्म नो अथवा तो अन्य शब्दों उपयोग करवानो छे। तो मित्रों आ तमारू होमवर्क हतुं। तमारे होमवर्क फरजियात करवानुं छे। 20 वाक्यों बनाव्या पछी तमने बीजा वाक्यों बनावानी छूट छे, परंतु आ 20 तो फरजियात तमारे बनावाना छे अने एनी प्रेक्टिस करवानी छे। अने अगाउ आपणे कह्युं तुं ए प्रमाणे जे सादो वर्तमान काळ अने सादा भूतकाळनुं तमने रिविजन कराव्युं हतुं, तो एनी प्रेक्टिस तमे करी लीधी हशे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणा त्रणे त्रण काळनो जे सादा भाग हता ए पूरा थया, एटले के सादो वर्तमान काळ, सादो भूतकाळ अने सादो भविष्यकाळ। तो आ त्रण काळनी प्रेक्टिस तमारे फरजियात करवानी छे। हवे नेक्स्ट टाइम आपणे चालू काळनी चर्चा करीशुं, परंतु ये पहला तमारी टैक्स चालसे, एटले के हवे तमारा टैक्स नो बीजो यूनिट आपणे तैयार करवानो छे। तो हवे टैक्स माटे तैयार रहेजो। त्यां सुधीमां ग्रामरमां आ त्रणे त्रण काळ जे तमारा छे, सादो वर्तमान काळ, सादो भूतकाळ, सादो भविष्यकाळ तैयार करी लेजो। क्रियापदो एना भूतकाळना रूप तैयार करी लेजो। साथे साथे तमने जरूरी एवा नवा क्रियापदो ने पण तैयार करी लेजो। तो हवे आपणे आ प्रश्नार्थ वाक्यो जे छे ए तमारा टेक्स लईश एना पहेला ना सेशनमां, एटले के स्टार्टिंगमां ज एज वीडियोमां आपणे तमारा आ प्रश्नार्थ वाक्यो लई अने आ काळ त्यां पूरो करी दईशुं। तो त्यां सुधी आप आनी प्रेक्टिस करता रहेजो। तो पछी मित्रों हवे हूँ रजा लऊं छू, ध्यानथी अभ्यास करजो। आपनो खूब खूब आभार, आवजो। हवे आपणे सादा भूतकाळना सादा भविष्यकाळना प्रश्नार्थ वाक्य जोईशु। तो सादा भविष्यकाळनी अंदर प्रश्नार्थ वाक्य बनावा माटे सेल के विल ने वाक्यनी शरूमां, एटले के कर्तानी पहला वाक्यना शरूमां मुकवाथी एवा प्रश्नो बनशे के जेना जवाब हा के नामा आवे छे। वाक्यनी शरूमां प्रश्न सूचक सर्वनाम WH, who, what, when, why, एनी साथे सेल के विल मुकवाथी एवा प्रश्नो मळशे के जेनो जवाब वर्णनात्मक आवे छे। तो आपणे एनी वाक्य रचना जोई लो। वाक्यनी शरूमां सेल के विल, एना पछी करता,
एना पछी क्रियापद नु मूल रूप, एना पछी कर्म अने एना पछी अन्य शब्दों। हवे जे वर्णनात्मक जवाब आवे छे एवा प्रश्नों माटे वाक्यनी शरूमां WH मूकवानो, बाकी रचना तो आगळनी जेम ज के WH पछी सेल के विल, करता, क्रियापद नु मूल रूप, कर्म अने अन्य शब्दों। हवे आमा WH मां तमारे जे WH थी प्रश्न पूछ्यो होय ये अहीं गैरहाजर हशे, जेम के वोट के वूमती होय तो कर्म गैरहाजर होय, वूथी होय तो कर्ता गैरहाजर होय, वेरथी होय तो स्थल, वेनथी होय तो समय गैरहाजर होय। अने आई अने वी जोड़े सेल अने बाकी बधा मां विल ये तमे जाणो छो, तो आवी रीते तमारा प्रश्नार्थ वाक्य बनशे। हवे आपणे एना एक्जाम्पल जोई लईए। हवे एक्जाम्पल मां पहेलू एक्जाम्पल जो, शू तमे सांजे बजारमां जशो, जशो नो मतलब थाय भविष्यकाळ, अने जवाब हा के ना मां तो सेल के विल, तो अहींया तमे छो यू एटले शू आवे विल, तो विल यू गो टू मार्केट इन ध इवनिंग। नेक्स्ट, शू तेणी आवतीकाले चोपड़ी आपसे, जवाब हा के ना मां एटले सेल विल थी आपसे भविष्यकाळ, तो तेणी छे एटले सी, तो एनी साथे आवे विल, तो विल सी आपसे एटले गिव अ बुक टुमोरो। शू वांदरो केळू खासे, तो हा के ना तो सेल के विल, तो के विल मंकी एट अ बनाना। शू अमे आवता रविवारे गामनी मुलाकात लेशु, हवे अहिया मुलाकात लेशु मीन्स भविष्यकाल, तो सेल के विल, अहिया अमे वी छे एटले आवशे सेल, सेल वी विजिट अ विलेज नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट, शु बाळको चित्रो दोरशे, दोरशे एटले भविष्यकाल, जवाब हा के ना मां एटले सेल के विल, तो बाळको चिल्ड्रन एटले विल, तो विल चिल्ड्रन ड्रो पिक्चर्स। राजन भाई शू खरीदशे, हवे आनो जवाब हा के ना मां नहीं आवे, तो WH नो उपयोग करवानो, अहीं छे शू, तो शू मीन्स वोट, खरीदशे भविष्यकाळ छे एटले पछी सेल के विल, तो राजन भाई नाम छे तो विल, विल राजन भाई खरीदू एटले बाय। नेक्स्ट, तमे क्यारे तमारा पाठ लखशो, अहीं छे क्यारे, क्यारे एटले वेर, वेन, क्यारे मतलब वेन, लखशो भविष्यकाळ एटले सेल के विल, अहीं तमे जोड़े विल अने तमे एटले यू, वेन विल यू, लखवू एटले राइट, योर लेसन्स, तेणी आवता महीने क्या जसे, तो क्या एटले वेर, तो आ वेर जसे भविष्यकाळ छे एटले सेल के विल, तेणी सी एटले विल, तो वेर विल सी, जवू एटले गो। नेक्स्ट मंथ, निशा शा माटे मोबाइल खरीदशे, शा माटे एटले वाय, हवे खरीदशे भविष्यकाळ तो विल, करता निशा, खरीदू एटले बाय, तो वाय विल निशा बाय अ मोबाइल। तमे कोने भेट आपशो, आपशो भविष्यकाळ, अने कोने एटले वूम, तो अहीं आवशे वूम, तमे एटले यू जोड़े विल, वूम विल यू, आपू एटले गिव अ गिफ्ट। तो आ हतो तमारो सादा भविष्यकाळना प्रश्नार्थ वाक्यो, तो अहीं तमारो सादो भविष्यकाळ थाय छे पूरो। अने हवे एनी खाली जग्याओ केवी रीते पूरवी ए पण साथे साथे जोई लईए। हवे सादा भविष्यकाळमां
समय दर्शक शब्दों तरीके शु आवशे? तो याद राखो, सादा भविष्य काल मा समय दर्शक तरीके टुमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, आफ्टर, पछी भविष्य नो समय आफ्टर थ्री डेज, आफ्टर मंथ, आफ्टर जून, आफ्टर 2020, आ बधा भविष्यना शब्दो छे। तो एमा विधान वाक्य होय, नकार वाक्य होय के प्रश्नार्थ वाक्य होय, तमारे फरजियात एनी खाली जगह में पहली एक पहले सेल अने विल अने क्रियापद नो मूल रूप मूकवानू। एक खाली जगह होय तो पण सेल विल अने क्रियापद नो मूल रूप, अने बे खाली जगह अलग अलग होय तो पहला मां सेल के विल अने बीजा मां क्रियापद नो मूल रूप मूकवानू। अने ओलो रूल्स याद राखवानो के ज्यारे पण आई के वी होय तो एनी साथे सेल, बाकी बधामां विल। तो हवे अहीं एक्सरसाइज जोई लो। पहलो वाक्य, किरण खाली जग्या आबू नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आयु तो सेल के विल अने विजिट, तो किरण विल विजिट। सी खाली जग्या अ न्यू मोबाइल टुमोरो, अहिया टुमोरो छे तो बाय, तो सेल के विल अने बाय तो सी विल बाय। आई खाली जग्या नॉट खाली जग्या टू स्कूल नेक्स्ट वीक गो, तो नेक्स्ट वीक एटले आवता अठवाडिये भविष्यकाल छे तो आई जोड़े आवे सेल अने अहिया मूल रूप आवशे गो। धे खाली जग्या लंच आफ्टर टू अवर्स, એટલે કે બે કલાક પછી ભોજન લેશે, દેટ મીન્સ ભવિષ્યકાળ, તો તે જોડે આવશે વિલ અને ટેક। ખાલી જગ્યા યુ ખાલી જગ્યા મી અ પેન, શું તમે મને પેન આપશો એ વિનંતી છે, મીન્સ ભવિષ્યકાળ, તો પહેલામાં આવશે વિલ અને અહીંયા આવશે ગીવ। ટીચર્સ ખાલી જગ્યા ન્યુ બુક્સ ટુમોરો, શિક્ષક આવતીકાલે નવી चौपड़ियों लावसे ब्रिंग, तो टू मोरो एटले आवती काले, तो टीचर्स बहुवचन छे एटले विल अने मूल रूप ब्रिंग। वोट खाली जगह खाली जगह सी नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे एटले आवता रविवारे भविष्यकाल, तो अहीं आवशे विल अने अहीं आवशे डू। वी खाली जगह टू योर होम टू मोरो, टू मोरो एटले आवती काले। हवे अहीं कम छे पण अहीं वी छे एटले शुं आवशे सेल अने कम, तो वी सेल कम टू योर हाउस के होम टू मोरो। नेक्स्ट हू खाली जगह इंग्लिश टू मोरो, टू मोरो एटले आवती काले, कोण अंग्रेजी शीखवशे, तो हू विल टीच इंग्लिश टू मोरो। खाली जगह फार्मर्स खाली जगह न्यू ट्रेक्टर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एटले आवता वर्षे, अहीं बाय छे एटले सेल विल जोड़े बाय, तो फार्मर्स बहुवचन छे एटले अहीं आवशे विल अने अहीं आवशे बाय। नेक्स्ट समीर खाली जगह हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक नो मतलब आवता अठवाडिये, तो समीर जोड़े विल अने सेलिब्रेट। नेक्स्ट यू खाली जगह नॉट खाली जगह लेटर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक एटले आवता अठवाडिये, तो सेल के विल, तो अहीं यू जोड़े आवे विल अने बीजा मां आवशे राइट। तेरमी होम खाली जगह यू खाली जगह गिफ्ट टू मोरो, टू मोरो एटले आवतीकाले, तो अहीं यू छे एटले विल અને મૂળ રૂપ સેન્ડ। ટીચર ખાલી જગ્યા હિમ ઇન નેક્સ્ટ પીરિયડ, નેક્સ્ટ પીરિયડ એટલે આવતા તાસમાં, તો ધેટ મીન્સ ભવિષ્ય, તો ટીચર વિલ પનિશ। આઈ ખાલી જગ્યા ધ ફીસ નેક્સ્ટ મંથ, હું આવતા મહિને ફી ચૂકવીશ, નેક્સ્ટ મંથનો મતલબ આવતા, તો ભવિષ્યકાળ, તો સેલ કે વિલ, તો આઈ જોડે આવશે સેલ
અને પે તો આઈ સેલ પે ધ ફીસ. હવે આપણે આને ખાલી જગ્યાને આપણે પૂરી નાખીએ અને એ પ્રમાણે પછી તમને બતાવી દઉં, એટલે જોઈ લો. જો કિરણ છે એટલે વિલ વિઝિટ, સી જોડે વિલ બાય, આઈ જોડે તો સેલ અને ગો, ધે જોડે વિલ ટેક, અહીંયા વિલ, અહીંયા ગીવ, અહીંયા વિલ બ્રિંગ, વિલ ડુ, સેલ કમ, વિલ ટીચ, વિલ બાય, વિલ સેલિબ્રેટ અને વિલ રાઇટ. એવી જ રીતે અહીંયા વિલ સેન્ડ, વિલ પનિશ અને સેલ પે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે ખાલી જગ્યા લખવાની છે. ઓકે, તો અહીં આપણે આને પૂરું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ નવા ટોપિક સાથે ફરી મળીશું. આવજો.